गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट बुक जुडिशरी। माय नेम इज भव्या और आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन लाई हूँ थेफ्ट पर। आज हम जानेंगे थेफ्ट क्या है अंडर आईपीसी एंड अंडर बीएनएस। सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। आईपीसी में सेक्शन 378 के अंदर थेफ्ट डिफाइंड है और बीएनएस में सेक्शन 303 के अंडर थेफ्ट डिफाइंड है। बेसिकली थेफ्ट के 5 असेंशियल कॉम्पोनेंट्स होते हैं। अगर ये कॉम्पोनेंट्स किसी ने भी फुलफिल कर लिए तो आप बोल सकते हैं कि हाँ, इस इंसान ने चोरी करी है। अगर ये कभी भी आपको जानना हो कि कोई भी ऑफेंस में थेफ्ट हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके लिए आपको देखना होगा कि 5 असेंशियल्स कंप्लीट हुए हैं, फुलफिल हुए हैं या नहीं। तो ये है इसके 5 असेंशियल्स। पहला है डिसऑनेस्ट इंटेंशन। डिसऑनेस्ट इंटेंशन बहुत ही मेजर कॉम्पोनेंट है। जब तक इंसान के अंदर चोरी की भावना नहीं है, तब तक चोरी नहीं मानी जाएगी। अगर मैं विदाउट एनी डिसऑनेस्ट इंटेंशन किसी की चीज लेकर अपने पास रख लेती हूं, तो वो चोरी नहीं है। अनटिल एंड अनलेस मेरा मोटिव या मेरा इंटेंशन था कि मैं इसकी चीज को चुरा के ले जाऊंगी, अपने पास रख लूंगी, राइट। सेकेंड है मूवेबल प्रॉपर्टी। किसी भी ऑफेंस में प्रॉपर्टी का होना, बहुत जरूरी है। मतलब ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी का होना बहुत जरूरी है, और थेफ्ट के अंदर वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी इमूवेबल है तो थेफ्ट पॉसिबल नहीं है। प्रॉपर्टी शुड बी मूवेबल, राइट। थर्ड है पोजेशन बाई अनदर। पहली बात है पोजेशन से रिलेटेड, किसी के पास उसका राइटफुल पोजेशन होना चाहिए। अगर मैं उसकी राइटफुल ओनर हूं तो मेरा ही उस पर राइटफुल पोजेशन होगा, और वो राइटफुल पोजेशन से उस प्रॉपर्टी को कोई निकाल ले, कोई ले जाए। सपोज मेरे पास एक रिंग है, मैं उसकी राइटफुल ओनर हूं, उसका जो राइटफुल पोजेशन है वो मेरे पास है। अभी कोई आया, उसने रिंग निकाल ली, वो रिंग लेकर चला गया डिसऑनेस्टली, उसका डिसऑनेस्ट था इंटेंशन, उसने चोरी का थर्ड असेंशियल फुलफिल कर लिया, ठीक है। फोर्थ है लैक ऑफ कंसेंट। अगर उसी रिंग को जब दूसरा इंसान ले जा रहा था, मैं कहती हाँ भाई ले जा, वहां पे चोरी रुक जाती, लेकिन मेरा कंसेंट ही नहीं लिया उसने, तो जहां पे लैक ऑफ कंसेंट आ गया वहां पे चोरी हो गई, राइट। और जो फिफ्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट असेंशियल है वो है मूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। सपोज एक रिंग रखी है, किसी का डिसऑनेस्ट इंटेंशन था कि मैं ये रिंग ले लूंगा, उसने उस प्रॉपर्टी के उस रिंग के ऊपर कोई दुपट्टा रख दिया, कोई कपड़ा रख दिया, कोई भी बर्तन रख दिया, कुछ भी ऐसा सामान रख दिया जिससे वो रिंग छुप जाए और वो बाद में चोरी कर ले, राइट। तो उसको नहीं माना जाएगा कि थेफ्ट हुआ है जब तक उस प्रॉपर्टी का, उस रिंग का मूवमेंट नहीं हो गया है। पहले के 4 असेंशियल्स अगर हो गए हैं, फुलफिल हुए हैं, उसके बाद भी अगर मूवमेंट नहीं हुआ है तो रिंग का चोरी, तो रिंग की चोरी नहीं मानी जाएगी। अगर मूवमेंट हो गया है तो चोरी हो गई है, राइट। फटाफट से जानते हैं कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन क्या है एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। ए के पास एक नेकलेस है, बी ए के घर गया, बी ने देखा ए के घर में ये नेकलेस रखा है, जो ए था वो उसका राइटफुल ओनर था, उसके पास उसका राइटफुल पोजेशन था, राइट। बी ने डिसऑनेस्टली वो नेकलेस ले लिया, चोरी हो गई, राइट, वहीं पर चोरी हो गई। अब आ जाइए प्रॉपर्टी का मूवेबल होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया एक पेड़ है, कोई बिल्डिंग है, उसकी चोरी नहीं हो सकती है। कोई स्टैंडिंग ट्री है, उसकी आप चोरी नहीं कर सकते, लेकिन द मोमेंट यू कट दैट ट्री उसकी चोरी पॉसिबल है, क्योंकि वो मूवेबल फॉर्म में आ गया है। अब वो ट्री मूवेबल प्रॉपर्टी बन गई है, करेक्ट। एक इसमें बहुत ही फेमस केस लॉ है, प्यारेलाल भार्गव वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें कोर्ट ने बोला, इस केस में क्या हुआ बेसिकली, इस केस में हुआ एक आदमी था ए, सपोज एक आदमी है ए, एक थर्ड पार्टी है बी। ए ने अपने सीनियर के ऑफिस से एक फाइल उठाकर थर्ड पार्टी बी को दे दी, नेक्स्ट डे आके वो फाइल वहां पर रख दी। कोर्ट ने बोला, अब आप सोचेंगे कि कितना अच्छी बात है कि उसने नेक्स्ट डे आके रख दिया, उसका हृदय परिवर्तन हो गया, उसकी सोच बदल गई, कितना अच्छा आदमी था, पहले सोचा कि चोरी कर लेता हूं, अब सोचा कि नहीं करता हूं तो आकर फाइल रख दी। नहीं, कोर्ट ने बोला नहीं, बिल्कुल नहीं, उसने चोरी करी है, भले ही डिस्पोजेशन जो था प्रॉपर्टी का वो परमानेंट नहीं था, करेक्ट, डिस्पोजेशन परमानेंट नहीं था, फिर भी चोरी हुई है, क्योंकि अगर टेम्परेरी डिस्पोजेशन इज टेम्परेरी, फिर भी चोरी मानी जाएगी। अगर आपने मेरी रिंग ले ली है, नेक्स्ट डे आके रख दी है, आप चोर बन गए हैं। अगर आपने वो 5 असेंशियल्स के साथ पूरी चोरी का ऑफेंस किया है
और नेक्स्ट डे आके वो रिंग यहां पे रख दी है मेरे पास, उसको चोरी माना जाएगा, करेक्ट। अब आ जाते हैं एक सेकंड केस लॉ है, राकेश वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी। इसमें बोला खाली इंटेंशन ही काम नहीं करेगा कि भाई मेरा इंटेंशन है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन है कि मैं चोरी करता हूं, उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर आपका सिर्फ इंटेंशन है, आपको द मेयर इंटेंशन ऑफ द ऑफेंडर टू टेक द प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली आउट ऑफ पोजेशन ऑफ अ पर्सन विदाउट इट कंसेंट इज नो ऑफेंस, करेक्ट। आपको वो क्राइम को करना पड़ेगा, आपको वो एक्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो क्राइम बन जाएगा, क्राइम ऑफ थेफ्ट, ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, ठीक है। ऐसा ही केस था के एन मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का। इसमें भी कोर्ट ने यही बात कही थी ले दे के कि पांचों एसेंशियल्स पूरे होने चाहिए, अगर पांच में से एक एसेंशियल भी गायब है तो थेफ्ट नहीं है। आप लोगों को एग्जाम में भी अगर कोई क्वेश्चन दिखता है जहां पर पूछा जा रहा है कि थेफ्ट है या नहीं है, ये पांच एसेंशियल का फॉर्मूला है, आप इसको लगाइए, अगर इसमें से एक भी एसेंशियल फुलफिल नहीं हो रहा है या गायब है तो थेफ्ट नहीं है, और पांचों के पांचों अगर वहां पर हैं तो थेफ्ट है, करेक्ट। अब आ जाते हैं जो मेजर चेंजेस आए हैं, मेजर चेंजेस जो आए हैं वो है इसके पनिशमेंट में, करेक्ट। तो पनिशमेंट में क्या हुआ है, सेक्शन 380 ऑफ आईपीसी जो है वो बोल रहा है पनिशमेंट के बारे में, जिसमें 3 साल तक का पनिशमेंट था, लेकिन बीएनएस के अंदर यही पनिशमेंट 303 में ही है, मतलब डेफिनेशन क्लॉज और पनिशमेंट क्लॉज सेम टू सेम, आपको दो दो सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, बस 303 जान लीजिए कि इसी में डेफिनेशन है थेफ्ट की, एसेंशियल्स मिल जाएंगे आपको और इसी में आपको इसकी पनिशमेंट मिल जाएगी। तो पनिशमेंट में क्या हुआ है, देखिए इसको धीमे धीमे करके डिकोड करते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। पेनल्टी क्या है, राइट। तो इसमें लिखा है हूएवर कमिट्स थेफ्ट शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन। आप लोग मार्क करिए, ईदर डिस्क्रिप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ईदर में क्या आता है, चलिए पहले पूरा कर लेते हैं सेंटेंस, Whoever commits theft shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both, right? पहली बात either description, मतलब imprisonment जो है वो rigorous भी हो सकती है और simple भी हो सकती है। अगर किसी इंसान ने पहली बार चोरी commit करी है तो उसको punishment of either description की मिलेगी, सिंपल भी मिल सकती है, रिग्रेस भी मिल सकती है, और विच में एक्सटेंड टू जो कि ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक की होगी, और विद फाइन या फिर फाइन या फिर बोथ, ध्यान दीजिएगा यहां पे और दे रखा है, राइट। एंड इन केस ऑफ सेकेंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, अगर सेकेंड टाइम कन्विक्शन हुई है, राइट, सब्सिक्वेंट कन्विक्शन हो गया, उसने दोबारा से चोरी करके अपराधी उसको घोषित कर दिया गया है इस सेक्शन के अंडर, तो ही शैल बी पनिश्ड विद रिग्रेस इंप्रिजनमेंट, मतलब जो सब्सिक्वेंट इंप्रिजनमेंट मिलेगी वो होगी सिर्फ रिग्रेस इंप्रिजनमेंट, राइट, वो रिग्रेस ही होगी, फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर बट विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर्स, मतलब 1 साल से 5 साल के तक उसकी सजा जा सकती है, 1 साल से लेकर 5 साल तक उसकी सजा जा सकती है इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट पनिशमेंट, राइट। और यहां पे ध्यान दीजिए एंड विद फाइन है, मतलब फाइन भरना ही भरना पड़ेगा, और नहीं है, एंड है, एंड विद फाइन, प्रोवाइडेड। अब इसमें एक प्रोवाइडेड क्लॉज भी आ गया है, राइट, पहले कोई प्रोवाइडेड क्लॉज नहीं था लेकिन इस बार बीएनएस के अंडर पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट में प्रोवाइडेड आ गया है, provided that in case of theft where the value of the stolen property is less than 5000, right, मतलब अगर 5000 रुपए से कम की प्रॉपर्टी है, ठीक है, and person is convicted for the first time, ध्यान रखिए पहली बार ही उसको conviction हुआ है चोरी के offense में, shall upon return of the value of property or restoration of the stolen property, मतलब या तो वो जो चोरी करी है वस्तु उसका अमाउंट या फिर पूरे का पूरा मटेरियल चीज जिसकी भी चोरी हुई है उसको लौटा देता है, then shall be punished with community service, तो सिर्फ उसको community service के साथ ही
छोड़ दिया जाएगा, मतलब कोर्ट कह देगा कि हाँ ये कम्युनिटी सर्विस है, ये आप कर लीजिए, फॉर एग्जाम्पल बर्तन धो दीजिए, फॉर एग्जाम्पल प्लांटेशन कर दीजिए, फॉर एग्जाम्पल कोई रिवर साइड है साफ कर दीजिए, बीच साइड साफ कर दीजिए। तो ये जो है कम्युनिटी सर्विस, ये इससे पहले आईपीसी में नहीं था, बीएनएस ने ही कम्युनिटी सर्विस को इंट्रोड्यूस किया है, और ये बहुत अच्छा इनका इनिशिएटिव है कि कम्युनिटी सर्विस होना चाहिए। अगर किसी, तो आप लोग समझ गए ना कि अगर किसी भी इंसान ने 5,000 से कम की चीज चुराई है, पहली बार उसको कन्विक्ट हुआ है, और अगर उसने वो चीज को लौटा दिया है या उसकी वैल्यू को लौटा दिया है, राइट, या तो रिटर्न ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हो गया है या फिर रिस्टोरेशन ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी हो गया है। रिस्टोरेशन हो गया है पूरा स्टोलन प्रॉपर्टी का, तो उस केस में उसको कम्युनिटी सर्विस करने का कोर्ट बोल देगा। कुछ भी हो सकता है, प्लांटेशन करिए 5,000, 500, कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है इस बार बीएनएस के अंदर जो कम्युनिटी सर्विस आई है। तो ये है हमारा बेसिक जो चेंजेस आए हैं वो पनिशमेंट क्लॉज में है। तो अब जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि क्या ही रहा है हमारा, असेंशियल्स जान लेते हैं फटाफट से। अगर आपको ये 5 असेंशियल्स अच्छे से तैयार हो गए हैं, अच्छे से याद हो गए हैं, अच्छे से समझ लिए हैं आपने, तो आपका थेफ्ट कंप्लीट हो गया है, करेक्ट। तो पहला है डिसऑनेस्ट इंटेंशन, प्रॉपर्टी का मूवेबल होना बहुत जरूरी है, जो पोजेशन है किसी भी इंसान का राइटफुल पोजेशन है उसके बाहर चली जाए वो प्रॉपर्टी, किसी को रॉन्गफुल गेन या फिर रॉन्गफुल लॉस हो जाए, राइट। और उसमें कंसेंट नहीं होना चाहिए, और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो होना है, वो है मूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। मूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टी होना ही होना चाहिए, अदरवाइज उसको थेफ्ट नहीं माना जाएगा। आई होप आप सबको कॉन्सेप्ट ऑफ थेफ्ट क्लियर है, और अगर आपको अच्छा लगा ये सेशन तो स्टे ट्यून्ड, ऐसे बहुत सारे सेशंस आएंगे। थैंक यू सो मच।